नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम उपस्थित हैं कोयल नदी में, और जैसा कि हम बता दें कि अभी हम आए हुए हैं कलश यात्रा में, और हमारे गांव में प्रत्येक वर्ष रामचरितमानस नवाहन पारायण पाठ महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो उसी अवसर पर हम लोग यहां पर उपस्थित हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुगण अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपका करवा रहे हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे चैनल में आए और इतना कीमती वक्त दिए, क्योंकि इनको बहुत आगे काम भी है, पूजा अर्चना में इनको जाना भी है। देख सकते हैं इनके पास ये पूजा का सामग्री है जो कि आगे पूजा में काम आएगा, तो हम इनको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आप जाइए। ऐसा लग रहा है, सबसे पहले बताओ यहाँ पर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा, कितना बार यहाँ पर आ चुके हैं? दो बार ये आ चुका है। यहाँ पर पूजा अर्चना हो रहा है, और हमारे जो पाठ करने वाले हैं, जो भी श्रद्धालुगण हैं, अभी पूजा अर्चना पर बैठे हुए हैं। कुछ ही देरी के बाद पूजा संपन्न होगा, इसके बाद कलश में जल को भरा जाएगा, इसके बाद राम जानकी मंदिर के प्रांगण में कलश को स्थापित किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो सभी श्रद्धालुगण अभी कलश में पानी वानी भर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और देख सकते हैं सभी लोग फिलहाल अभी निकल भी रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाते हैं क्या क्या होता है आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कमेटी के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए जलपान का व्यवस्था किया गया है, शरबत है और नींबू वगैरह सभी तरह का व्यवस्था है। सभी श्रद्धालुगण अभी जलपान करेंगे, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे राम जानकी मंदिर की ओर। और बता दें कि सभी श्रद्धालुगण सुबह से ही उपवास किए हुए थे, और इन लोग निकले थे 12:30 बजे, और अभी 3 बजने वाले हैं, तो काफ़ी धूप भी किया हुआ है, तो सभी श्रद्धालुगण अभी भूखे भी होंगे, तो इसीलिए जलपान का व्यवस्था किया गया। जलपान कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से ये लोग प्रस्थान करेंगे। देख सकते हैं देख सकते हैं ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं कलश यात्रा में, जो कि लोकल ही है। क्या कौड़िया के हैं? हाँ, कौड़िया के हैं। हमारा पंचायत में है कलश यात्रा। हाँ, उसमें हम अपना पंचायत के लिए आए हैं, अपना सहयोग करने के लिए योगदान देने आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके जितने भी टीम हैं आगे हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं राम जानकी मंदिर। क्या तो आपको कलश यात्रा में आकर कैसा लगा? आपको बहुत खुश हुआ? हम लोग अपना पंचायत में हिंदू धर्म से अपना जी कार्यक्रम में समय तुम्हें हैं,
हाँ, नाम है अवधेश राम जी, कौड़िया के रहने वाला है, तिरसिया टोला। हम लोग खुद अपना पंचायत के अपना सहयोग दे रहे हैं, पैसा का लालच में नहीं है हम लोग, क्योंकि अपना हमारा धर्म है हिंदू धर्म से, और यही होना भी चाहिए कि अपना हिंदू धर्म से है। और गलत होगा तो गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना गांव घर का ये पूजा पाठ का अपना अपना धर्म है जी, अपना गांव, अपना पंचायत, अपना घर है, और श्रद्धा से आप बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना समय निकाल के हम लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा बात है। अपना कार्यक्रम करके मैंने काम छोड़ के अपना अपना गांव के अपना पंचायत के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं हम लोग। देख सकते हैं बहुत धूप भी किया हुआ, क्या गर्मी, बहुत बहुत हार्ड गर्मी किया हुआ है, और इस गर्मी में भी श्रद्धालुगण देख सकते हैं पूरे उत्साह और उमंग और उन्हें आनंद मिल रहा है हम लोग के। हाँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ऐसे हम लोग तो खाना पीना खा लिए, लेकिन जो भी श्रद्धालुगण जो कितना खाए हैं वे लोग खाना उना नहीं खाए हुए हैं, सुबह से खाना नहीं खाए हैं। ये लोग जाएंगे अभी, और जाने के बाद घर में खाना खाएंगे, थोड़ा प्रसाद यहाँ से लेंगे, जो मीठा भोजन है। हाँ, मीठा भोजन करेंगे, वही मीठा भोजन करेंगे। हाँ, 9 दिन तक मतलब उनको मीठा भोजन करना है, फिर सुबह शाम के भी हरदी, ये हरदी हो गया, लहसुन वगैरह इस तरह का कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना है, खीर वगैरह, फल वगैरह, दूध, फल और मीठा सब कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं, इसमें मीट मुर्गा सब कुछ नहीं, सब करना ही नहीं है, मसाला चीज कुछ खाना ही नहीं करना है सब में। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का दृश्य। अभी देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुगण थोड़ा सा इंतजार कर रहा है, कुछ यहाँ पर पूजा अर्चना हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर पूजा अर्चना खत्म होता है तो सभी श्रद्धालुगण यहाँ से बढ़ेंगे मंदिर की ओर। तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे देखिए सर हैं, जो कि इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, छोटेलाल सर हैं, और हमारे बीच बहुत यहाँ पर पूजा कमेटी के सदस्यगण हैं। ये अंकित है, जो कि ये लोग तो नदी में नहीं गया था। तुम लोग का क्यों नहीं गया नदी में? गलत आप जा रहे थे तो लोग बिना मसाइल ले चल गया। हाँ, तो धूप भी बहुत ज्यादा था, तो तुम लोग इधर ही देख लो, यहाँ पर सभी तरह धारी लोग हैं, देखो उधर कितना संख्या भीड़ है, तो तुम लोग इधर ही दर्शन कर लो क्या। मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना हो चुका है, अब यहाँ से सभी श्रद्धालु निकल चुके हैं, यह देख सकते हैं रास्ते में। Thank you.
तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं राम जानकी मंदिर में, और देख सकते हैं अंकित है जो कि मेरे साथ ही यहाँ पर आया हुआ है, और सभी श्रद्धालुगण अभी परिक्रमा किए मंदिर का। इसके बाद कलश उलश रखेंगे मंदिर में, इसके बाद घर पर जाएंगे और मीठा जलपान करेंगे। इसके बाद शाम को पुनः यहाँ पर आएंगे, वे लोग यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में यहीं पर वीडियो के एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, जय हिंद जय भारत।